तो अब तक हमने इस पाठ में सीखा जीवों का अरस्तु द्वारा वर्गीकरण, लक्षण तथा विकास क्या होते हैं, तथा अंत में हमने जीवों को पांच जगतों में विभाजित किया। सबसे पहला प्रोटिस्टा, फंजाय, प्लांटी, एनिमेलिया और मोनेरा। इस पाठ में हम प्लांटी के विभिन्न उपवर्गों की जानकारी लेंगे। पाठ का उद्देश्य है, पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित एवं विभेदित है अथवा नहीं। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने के विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। तत्पश्चात वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधे में बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं। यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है अथवा नहीं। तो चलिए बारी बारी से इन सभी उपवर्गों की जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम थैलोफाइटा के बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे 0th नंबर दिया है, क्योंकि इस वर्ग में पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है, जो कि इस वर्ग को अन्य वर्गों से भिन्न बनाता है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतया शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण है स्पायरोगायरा, कारा आदि। पहला वर्ग है ब्रायोफाइटा। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। यह पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं मॉस, जिसे फ्यूनेरिया भी कहा जाता है, तथा दूसरा उदाहरण है मार्केशिया। दूसरा वर्गीकरण है टेरिडोफाइटा। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं मार्शीलिया, फर्न, हॉर्सटेल इत्यादि। दृश्य में आप फर्न को देख सकते हैं। हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं, जिन्हें बीजाणु अथवा स्पोर कहते हैं। इन तीन समूह के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अतः ये क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। दूसरी ओर वे पौधे जिनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, वे फिनेरोगैम कहलाते हैं। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो वर्ग में विभक्त किया गया है। जिम्नोस्पर्म, नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, तथा एंजियोस्पर्म, फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। अगला विभाजन है जिम्नोस्पर्म। यह शब्द दो ग्रीक शब्दों जिम्नो तथा स्पर्मा से मिलकर बना है, जिसमें जिम्नो का अर्थ है नग्न तथा स्पर्मा का अर्थ है बीज, अर्थात इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षी, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं पाइनस तथा साइकस।
आखिरी विभाजन है एंजियोस्पर्म। यह दो ग्रीक शब्दों एंजियो और स्पर्मा से मिलकर बना है। एंजियो का अर्थ है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज, अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल बन जाता है। इन्हें पुष्पी पादक भी कहा जाता है। इनमें भोजन का संचय या तो बीज पत्रों में होता है या फिर भ्रूण कोश में। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटा गया है। एक बीज पत्र वाले पौधे, उन्हें एक बीज पत्री कहा जाता है, तथा दो बीज पत्री वाले पौधे जिन्हें द्विबीज पत्री कहा जाता है। तो इस पाठ में हमने अब तक सीखा प्लांटी को पांच उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला थैलोफाइटा, इन पौधों में कोई विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। ब्लायोफाइटा, ये पौधे बिना ऊतक वाले होते हैं। तीसरा टेरिडोफाइटा, इन पौधों में ऊतक पाए जाते हैं। चौथा जिम्नोस्पर्म, ये पौधे नग्न बीज वाले होते हैं। और आखिरी एंजियोस्पर्म, इनके बीज फलों में ढके होते हैं। अगले पार्ट में हम सीखेंगे एनिमेलिया का उपवर्गीकरण, निमोटाडा तथा पोरीफेरा जैसे उपवर्गों की चर्चा तथा नाम पद्धति और उसकी आवश्यकता। धन्यवाद।